गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में कृषि के विभिन्न प्रकारों को, विभिन्न पद्धतियों को देखा था। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और प्रकार की कृषि को देखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। तो देखिए, कृषि के प्रकारों के अंतर्गत हमने पिछली बार जो है बड़े बड़े कृषि फर्म, विस्तृत कृषि देख ली, वाणिज्यिक कृषि देख ली, इसके अलावा झूम कृषि देख ली और निर्वाह कृषि देख ली, गहन कृषि देख ली। अब अगला प्रकार जो आता है उसको कहते हैं हम मिश्रित कृषि। क्या बोलते हैं? मिश्रित कृषि, या इसको बोलते हैं रेंचिंग। मिक्स्ड एग्रीकल्चर या रेंचिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। मिक्स्ड या रेंचिंग में क्या होता है, देखिए इसमें पशुपालन के साथ साथ कृषि की जाती है, यानी कि कृषि और पशुपालन दोनों इसमें साथ साथ किया जाता है। इस प्रकार की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, रेंचिंग कहते हैं या मिश्रित कृषि कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, खेत में खाद्यान्न फसल तो उत्पादित की जाती है, जो भी उत्पादन करना है वो तो की जाती है, साथ ही साथ खेत में चारा का उत्पादन भी किया जाता है। चारे का उत्पादन पशुओं के लिए किया जाता है, तो पशुओं से भी आय प्राप्त होती है और खेती से भी आय प्राप्त होती है। इसमें बेनिफिट यही है, उस चारे के माध्यम से पशुओं का पेट भर जाता है और पशुओं का जो खाद निकलती है उनसे, जैविक खाद, उसको खेतों में काम में ले लिया जाता है। तो ये अदला बदला चलता रहता है, ठीक है। तो यही बात है इसमें विशेष, जो इस कृषि को विशेष बनाती है। इसके अंतर्गत देखिए लिखिए इसमें इस प्रकार की कृषि में कृषि के साथ साथ पशुपालन पर भी ध्यान दिया जाता है। खेत में पशुओं के लिए चारे का उत्पादन कर लिया जाता है, एवं पशुओं के लिए बड़े बड़े विशाल फार्म बनाए जाते हैं। जिनमें वैज्ञानिक ढंग से पशुओं की देखभाल भी की जाती है, ठीक है। हमारे यहाँ तो जो मिश्रित कृषि होती है
उस मिश्रित कृषि में तो क्या है, खेत में चारा उगा लिया और जानवरों को डाल दिया, इतना हो गया। लेकिन विदेशों में जो इस प्रकार की रेंचिंग होती है, उस रेंचिंग में क्या करते हैं, बड़े बड़े जानवरों के लिए बाड़े बनाए जाते हैं खेत में ही, और उन बाड़ों में जानवरों को रखा जाता है, जानवरों को एक दूसरे से दूर रखा जाता है, पृथक रखा जाता है, उन सभी की देखभाल की जाती है अच्छे से, स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि कोई पशु बीमार ना हो। अगर कोई पशु बीमार होता है तो उसको सबके सबसे अलग कर दिया जाता है ताकि उसकी बीमारी दूसरे में ना लगे। जैसे कोरोना वाला मामला है, कोरोना में जिसको कोरोना आ गया उसको एक तरफ रख देंगे, क्वारंटाइन कर देंगे, होम आइसोलेशन में रख देंगे उसको, उसके बाद वो जब ठीक होगा तब उसको सभी के साथ रहने का मौका मिलेगा। तो इसी तरीके से इनमें पशुओं में करते हैं, कोई भी बीमारी आ जाती है तो उसको दूर कर देते हैं। ये विशेष प्रकार की देखभाल की जाती है इनमें, इसके लिए कई सारे श्रमिक रखते हैं और जो डॉक्टर्स होते हैं, चिकित्सक होते हैं, वो सभी उसके अंदर मौजूद होते हैं। ये बड़े बड़े देशों में की जाती है, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके की रेंचिंग की जाती है। ठीक है, मिश्रित कृषि हमारे यहाँ भी मिलती है। मिश्रित कृषि में हम केवल पशुओं की इतनी ज़्यादा महत्ता, इतनी ज़्यादा जो है उसका देखभाल नहीं करते, लेकिन पशु और कृषि दोनों साथ साथ होती है, उसको मिश्रित कृषि कहते हैं। और रेंचिंग में क्या होता है, बड़े बड़े बाड़े होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखने की है। फिर इसके बाद अगली कृषि हम देखेंगे, इसको लिख लीजिए, आप उतार लीजिए, इसको उदाहरण लिख लीजिएगा इसका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके बाद ये शायद छठे प्रकार की कृषि है हमारी। इसके बाद सातवें प्रकार की कृषि लिखिए आप, पारिस्थितिकी कृषि। पारिस्थितिकी कृषि, पारिस्थितिकी कृषि मीन इको एग्रीकल्चर, इको फ्रेंडली है ना। पारिस्थितिकी कृषि के अंतर्गत क्या होता है, इस प्रकार की कृषि में, इस प्रकार की कृषि में कृषि उत्पादन बगैर पारिस्थिति को नुकसान पहुंचाए किया जाता है। इसमें क्या है, बगैर वनस्पति को या बगैर पारिस्थिति को नुकसान पहुंचाए हुए क्या किया जाता है, कृषि की जाती है, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार की कृषि में, एक लिखिए, इस कृषि में रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों आदि का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इनका उपयोग इसमें नहीं किया जाता है, इनके स्थान पर जैविक खाद का उपयोग किया जाता है ताकि प्राकृतिक वनस्पति को नुकसान नहीं हो। ठीक है, ताकि प्राकृतिक वनस्पति को क्या नहीं हो, नुकसान नहीं हो। इस कृषि में
वर्मी कंपोस्ट, जानते हो ना, गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट, नीम की खाद नीम के पत्तों की, आदि के इस्तेमाल या उपयोग पर बल दिया जाता है। ठीक है, ये बात इसके अंतर्गत है, लिख लीजिए आप इसको भी। पारिस्थितिकी कृषि, इको एग्रीकल्चर या इको फार्मिंग जिसको कहते हैं, इसमें जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों को क्या नहीं दी जाती, वरीयता नहीं दी जाती, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, इनके स्थान पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खाद, यानी कि जैविक खाद का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके बाद हम आज की तीसरी कृषि का पढ़ेंगे। अगली कृषि कौन सी है, समझ में आ गई होगी, समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इनमें आसान चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद अगली कृषि है, उसको पढ़ने से पहले मैं साफ कर देता हूँ इसको। अगली कृषि कौन सी है वो देख लेते हैं हम। देखिए, अगली कृषि को कहते हैं निगमित कृषि, यानी कि कॉरपोरेट फार्मिंग। निगमित कृषि, कॉरपोरेट फार्मिंग, निगमित कृषि कॉरपोरेट फार्मिंग के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें जो खेत होता है उस खेत का प्रबंध कुछ सदस्यों द्वारा किया जाता है। एक निगम बना लिया जाता है, कॉरपोरेट सोसाइटी बना ली जाती है, उस सोसाइटी के सदस्य ही मिलजुल कर इस कृषि को करते हैं ताकि सभी को इसका क्या हो सके, लाभ मिल सके। ठीक है, इसमें कॉरपोरेट एक सोसाइटी बना ली जाती है, सोसाइटी के लोग सभी मिलकर के इस कृषि को करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें लिखते हैं हम, इस प्रकार की कृषि का संचालन किसी निगम द्वारा किया जाता है, जिसमें निगम के सभी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, सीमित दायित्व होता है सभी का, और संपूर्ण व्यवस्था निगम मंडल द्वारा की जाती है। संपूर्ण व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है, निगम मंडल द्वारा की जाती है। और इस प्रकार की कृषि में जो है इस प्रकार की कृषि में अधिक पूंजी और बड़े खेतों की आवश्यकता होती है।
भारत में इस तरीके की खेती जो है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु और तमिलनाडु की राजधानी ही चेन्नई के कुछ क्षेत्रों में की जाती है। कहाँ की जाती है? भारत के महाराष्ट्र, तमिलनाडु और चेन्नई के कुछ खेतों में की जाती है। राष्ट्रीय किसान आयोग जो है भारत का, उसने भी इस कृषि को बढ़ावा देने की बात कही है, ये भी लिख लीजिए आप। राष्ट्रीय किसान आयोग ने भी इस कृषि को बढ़ावा दिए जाने की बात कही है। ठीक है, इसको कहते हैं निगमित कृषि, यानी कि कॉरपोरेट फार्मिंग। ये आठवें नंबर की कृषि है हमारी। ठीक है, कौन से नंबर की है? आठवें नंबर की। इसका संचालन किसी निगम द्वारा, निगम कहते हैं कॉरपोरेट सोसाइटी द्वारा किया जाता है, जिसमें सभी सदस्य जो होते हैं उनकी कुछ सीमित जिम्मेदारियां होती हैं, ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती, कुछ जिम्मेदारियां सभी को दी जाती है। और इसका पूरी व्यवस्था किसके द्वारा संभाली जाती है? वो निगम मंडल द्वारा, निगम के मंत्रिमंडल होता है, इस तरीके का मंडल बनाया जाता है, उसके द्वारा सारी व्यवस्था संभाली जाती है। और इसमें क्या है, अधिक पूंजी और बड़े खेतों की आवश्यकता होती है, ये मस्ट है, क्योंकि पूंजी की ज़्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि बहुत से लोग काम करने वाले होते हैं, बहुत सा उत्पादन होता है, इसलिए पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। और जब बहुत सा उत्पादन होगा तो उसके लिए खेत भी बड़े आवश्यकता होंगे। ठीक है, तो बड़े खेत और बड़ी पूंजी की आवश्यकता इसमें होती है। भारत में कुछ क्षेत्रों में की जाती है, सभी जगह नहीं की जाती। महाराष्ट्र हुआ, चेन्नई हुआ, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में, दक्षिण भारत के राज्यों में की जाती है। राष्ट्रीय किसान आयोग ने भी इस प्रकार की कृषि को आगे बढ़ाने की बात कही है। ठीक है, इतनी बातें आप लिख लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रकार की कृषि कौन सी है, उसको कहते हैं सहकारी कृषि। ठीक है, ये निगमित कृषि थी, अब लिखेंगे हम सहकारी कृषि। ये कॉरपोरेट थी, अब आएगी कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। ठीक है, चलिए अगली कृषि को देखते हैं हम। फार्मिंग कह दीजिए, एग्रीकल्चर कह दीजिए, एक ही बात, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेट मतलब, कोऑपरेट करना मतलब एक दूसरे का साथ दे करके चलना। कोऑपरेट का मतलब तो होता था साथ देना, एक दूसरे से समायोजन करना। तो इस प्रकार की कृषि में क्या होता है, जो खेत के मालिक होते हैं या किसान होते हैं, वो सभी आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर काम करने की कोशिश करते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि छोटे से छोटे किसान, भूमिहीन किसान, उन सभी को इसका लाभ मिल सके, वो सभी कृषि कार्य कर सके। ठीक है, यानी कि या तो सभी लोग मिलकर के एक साथ काम करेंगे खेत में, या फिर सभी लोगों के खेत होंगे, उसमें सभी का बराबर बराबर हिस्सा होगा, जिसके माध्यम से क्या करेंगे, छोटे मोटे किसान उनको भी शामिल कर लेंगे उसी में, छोटे मोटे मजदूर उनको भी शामिल कर लेंगे, ताकि सभी काम को कर सके, सभी अपने अपने काम को अंजाम दे सके, सभी का फायदा हो सके। इसका उद्देश्य यही है कि छोटे छोटे किसान जो होते हैं, उन छोटे छोटे किसानों को फायदा पहुंच सके। और दूसरा उद्देश्य क्या है इसका, दूसरा उद्देश्य यह है कि बिखरे हुए खेत जिसके होते हैं, छोटे खेत जिसके होते हैं, उनको भी बराबर का हिस्सा मिल सके, उनके साथ भी न्याय किया जा सके, ये इसका उद्देश्य है। सहकारी कृषि को रूस में कोलखोज के नाम से जाना जाता है, वो पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं। कोलखोज रूस में कहते हैं इसको, कम्यून चीन में कहा जाता है, इस तरीके से इसके कुछ नाम भी है। ठीक है, भारत में इसको कोऑपरेटिव फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें लिखते हैं हम, खेती के इस प्रणाली में किसान खेती की, ये शायद 90 नंबर का है,
इस प्रणाली में किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से खेती के इस प्रणाली में किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से अपनी परस्पर लाभ के उद्देश्य से अपनी स्वेच्छा से अपनी स्वेच्छा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से भूमि श्रम और पूंजी को एकत्रित करके कृषि कार्य करते हैं, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से भूमि खेतों को श्रम मजदूरों को और पूंजी पैसों को एकत्रित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, फिर कृषि कार्य करते हैं। इसका दो लाभ है, ठीक है, इसके दो लाभ है, मैंने आपको बता दिया दोनों लाभ क्या है। इस प्रकार की कृषि के दो उद्देश्य हैं, या कह सकते हैं कि दो लाभ हैं। पहला क्या है कि छोटे खेत यानी कि जोत और बिखरे जोतों को क्या करना, इकट्ठा करना, एक करना, ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या है इसका, छोटे किसानों भूमिहीन किसानों और कृषक मजदूरों के साथ न्याय करना, ठीक है, ये दो उद्देश्य हैं इसके, ये दो उद्देश्य इसके अंतर्गत शामिल है। परस्पर लाभ के उद्देश्य, आपस में सभी का लाभ उसमें जुड़ा होता है, उसके अंतर्गत वो क्या कर लेते हैं, एक दूसरे से पैसे ले लेते हैं, आपस में सबका इकट्ठा कर लेते हैं, भूमि सबकी इकट्ठी कर लेते हैं और सबके श्रम भी इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है, सब सामूहिक रूप से उसको कार्य को करते हैं और उसके बाद जो लाभ होता है वो भी सामूहिक लाभ होता है, उन सामूहिक लाभ में से वो सबका बंटवारा कर लेते हैं, ठीक है। इसमें दो फायदे होते हैं, छोटे और बिखरे हुए जो जिसके खेत होते हैं वो भी संयुक्त रूप से मिल जाते हैं, उनमें संयुक्त रूप से कृषि की जाती है। दूसरा फायदा क्या है, दूसरा ये कि भूमिहीन किसान जो होते हैं जिनके पास भूमि नहीं होती, छोटे किसान जो होते हैं छोटे छोटे जिनके पास भूमि होती है और कृषक मजदूर जो होते हैं उनको केवल खेतों में ही काम करना आता है, ऐसे किसानों के साथ इसमें न्याय किया जाता है, ऐसे किसानों को इसमें न्याय मिलता है ताकि उनके साथ समानता का जो है कार्य किया जाता है। इस प्रकार की कृषि, लिख लीजिए इसमें, इस प्रकार की कृषि को या सामूहिक कृषि को ना, सामूहिक कृषि को रूस में कोलखोज चीन में कम्यून और इज़राइल में किबुत्ज़िम कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार की कृषि को सामूहिक कृषि को यानी कि
रूस में कोलखोज, चीन में कम्यून और इज़राइल में क्या कहते हैं कि बुद्जिम नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी सहकारी कृषि थी। इस कृषि प्रणाली में किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से अपनी सारी भूमि को, पूंजी को और अपने श्रम को इकट्ठा करते हैं और इसके जो दो लाभ होते हैं, वो दो लाभ क्या होते हैं, छोटे छोटे किसानों को, छोटे बिखरे हुए खेतों को परस्पर में इकट्ठा कर लिया जाता है, साथ ही साथ भूमिहीन किसान, कृषक, मजदूरों आदि को शामिल कर लिया जाता है ताकि सभी के साथ क्या किया जा सके, न्याय किया जा सके। इतनी बातें आप लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरी प्रकार की कृषि हम पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर इसको पूछ लिया जाता है, जो अब हम पढ़ने जाएंगे। इसको मिटा देता हूँ। चलिए, इसके बाद की जो कृषि है, इसके बाद की कृषि को कहते हैं ऑर्गेनिक कृषि। जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग या एग्रीकल्चर। देखिए, मैं आपको परंपरागत कृषि तकनीकों से लेकर के, कृषि प्रणालियों से लेकर के नवीन कृषि पद्धति तक लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। पहले हमने जीवन निर्वाह कृषि प्राचीन काल में, पुरानी किताबों में आपको मिल जाएगी सब कुछ, ठीक है। अब मैं आपको बिल्कुल नवीन से नवीन कृषि तकनीकों को, कृषि प्रणालियों को, कृषि प्रकारों को, पद्धतियों को भी बताऊँगा, ठीक है ना, ताकि हम जो है आधुनिकता से जुड़ सके। पुरानी किताबों में पुराने मेथड के अनुसार दे रखा है। अब आप जब भी कुछ खरीदो, नया खरीदो, तो हमेशा लेटेस्ट किताबें खरीदा करो, ठीक है। अभी 2020 चल रहा है, ठीक है, तो आप 2021 की किताबें खरीदिए, मिलती है बाजारों में, ठीक है। और खरीदने से पहले ये देख लीजिए उसमें संशोधन कब किया गया है, 19 में किया गया है, 20 में किया गया है, कब किया गया है। आंकड़ों को देखिए, अक्सर आंकड़े ही कीमती होते हैं, बाकी थ्योरेटिकल चीज़ तो वही रहती है जैसी है। आंकड़े अक्सर परस्पर बदला करते हैं। जैसे हम मान लीजिए पेट्रोल उत्पादन पढ़ रहे हैं, कोयला उत्पादन पढ़ रहे हैं, गेहूँ उत्पादन पढ़ रहे हैं, तो उनमें आंकड़े 2006 के, 2007 के हमको किताबें मिलते हैं। हमको लेटेस्ट आंकड़े चाहिए होते हैं ताकि हम समायोजन कर सकें, सही चीज़ों को जान सकें, नहीं तो हम पुराने तरीके से ही पढ़ते रहते हैं। इस वजह से नई किताबों का महत्व हो जाता है, ठीक है। नई किताबों में हम सबसे पहले आंकड़े देखने चाहिए हमको, बाकी चीज़ें तो वही रहेगी और कुछ नई नई चीज़ें भी आएगी। अभी मैंने एक किताब मंगाई है, इंडियन ज्योग्राफी, एक नई किताब है बिल्कुल माजिद हुसैन की। उस किताब के अंदर आपको मालूम होना चाहिए मई 2020 तक के आंकड़े दिए हुए हैं कोरोना के, है ना। और इसके अलावा जो NPR NRC के ऊपर जो बहस हुई थी उसका मामला भी उसमें दे रखा है। तो बिल्कुल लेटेस्ट समसामयिक की, जिसको बोलते हैं करंट अफेयर, वो करंट चीज़ें भी उसमें दी हुई है किताब में। तो ऐसी किताबें हमको मंगवा लेनी चाहिए अगर हमको तरक्की करनी है, ठीक है। चलिए, जैविक कृषि। जैविक कृषि के अंदर देखिए क्या होता है। जैविक कृषि में जो कृषि की जाती है वो कृषि किस के माध्यम से की जाती है। रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता, कीटनाशकों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता, इसमें किया जाता है सिर्फ और सिर्फ जैविक खादों का इस्तेमाल। वर्मी कंपोस्ट, नीम की खाद, केंचुए, इन सभी का इस्तेमाल इसके अंतर्गत किया जाता है ताकि वापस से खेतों में उर्वरता लाई जा सके। हम अधिकाधिक उत्पादन के लिए क्या करते हैं कि उसको अधिकाधिक उत्पादन के लिए कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। 1930-40 के आसपास ये प्रणाली दी गई थी, एक विद्वान आए थे, उसको इसका जनक माना जाता है, उनका नाम है अल्बर्ट हावर्ड नाम के विद्वान हैं। उन्होंने ये बताया था सबसे पहले, उन्हीं को जैविक कृषि का जनक माना जाता है। उन्होंने सबसे पहले ये बात बताई थी कि जो है जैविक कृषि इस तरीके से की जा सकती है जिसमें कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाए, कम से कम किया जाए या नहीं के बराबर किया जाए, ठीक है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसका उपयोग किया जाए, जो पारंपरिक खाद होती है, जैविक खाद, उसका इस्तेमाल किया जाए। घरों में जो फलों और सब्जियों के जो फालतू कचरा होता है, उस कचरे का इस्तेमाल किया जाए उसमें, ठीक है। भारत में पहला राज्य जो जैविक कृषि करने वाला है, पूर्ण रूप से जैविक कृषि करने वाला राज्य कौन है, सिक्किम, पहाड़ी राज्य है, भारत में पूर्ण रूप से जैविक राज्य है ये, इसको दर्जा दिया गया है, ठीक है।
और इसके अलावा भारत में ऐसा कौन सा गांव है जो पूर्ण रूप से जैविक कृषि करने वाला गांव बना है सबसे पहले भारत में, तो वो है उत्तराखंड के नैनीताल जिले का माकंदपुर गांव है, ठीक है। और भारत में सबसे पहले खेतों में बायोटेक पार्क बनाने का श्रेय किसको जाता है, वो जाता है पंजाब को। मैं सभी आप बातें आपको लिखवा रहा हूँ, पहले बायो कृषि के बारे में हम देख लेते हैं, ऑर्गेनिक कृषि के बारे में क्या है। देखिए, इस कृषि प्रणाली के अंतर्गत कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों आदि का उपयोग नहीं किया जाता है। इनके स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? इनके स्थान पर जैविक खाद, फलों और सब्जियों के कचरों वर्मी कंपोस्ट आदि का उपयोग किया जाता है। इस हेतु कृमि पालन के लिए, कृमि बोलते हैं कीड़ों को ना, कृमि पालन के लिए अंडज शालाएं, उनके अंडों को सुरक्षित रखने के लिए अंडज शालाओं का निर्माण किया जाता है। अंडज शालाओं का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। जैविक कृषि 1930-1940 के दशक में शुरू की गई। इसका जनक अल्बर्ट हार्वर्ड को माना जाता है, ठीक है, अल्बर्ट हार्वर्ड को माना जाता है। कौन है अल्बर्ट हार्वर्ड? ये है जैविक कृषि के जनक, इनको माना जाता है, ठीक है। इस प्रकार की कृषि का उद्देश्य मिट्टी की उत्पादन क्षमता को बनाए रखना होता है, साथ ही यह कृषि प्रणाली पर्यावरण के अनुकूल है। क्या ये? पर्यावरण के अनुकूल है, ठीक है। इसके बाद लिखना, भारत का पहला
पूर्ण जैविक कृषि करने वाला राज्य सिक्किम, ठीक है, भारत का पहला पूर्ण जैविक कृषि करने वाला गांव यह है उत्तराखंड जिला नैनीताल माकंदपुर गांव। और देश का सबसे पहले कृषि बायोटिक पार्क, कृषि बायोटिक पार्क ये बनाया है पंजाब, ठीक है। इतनी बातें आप इसके अंतर्गत याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक दो प्रकार और है, वो और देखेंगे अभी हम, करते रहिए आप इसको। हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको मिटा रहा हूँ मैं। इसके बाद जीरो फार्मिंग देखेंगे हम, जीरो कृषि क्या होती है। कृषि की एक नई तकनीक है जीरो तकनीक, जीरो कृषि शायद अगला ग्यारहवां है। यह आपके लिए नया शब्द होगा। जीरो कृषि में देखिए क्या होता है, जीरो कृषि के अंतर्गत होता यह है कि वर्तमान समय में सभी लोग अपने अधिकाधिक लाभ के लिए खाद्य पदार्थों को उत्पादन को बढ़ाने के, खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपने खेतों में कीटनाशकों का, रासायनिक उर्वरकों का, तरह तरह के बीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उनसे क्या होता है, भूमि की उर्वरा क्षमता धीरे 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 समाप्त होने लगती है। भूमि की उर्वरा क्षमता धीरे धीरे क्या होने लगती है, समाप्त होने लगती है। इससे निजात पाने के लिए, इससे निपटने के लिए क्या किया गया है, जीरो फार्मिंग कृषि प्रणाली अपनाई गई है। जीरो फार्मिंग कृषि प्रणाली के अंतर्गत क्या किया जाता है कि कीटनाशकों का, उर्वरकों का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता, ना ही किसी दूसरे प्रकार के खाद का इस्तेमाल किया जाता है, किसी प्रकार के कोई खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसी कृषि को क्या कहते हैं, जीरो फार्मिंग। इसके लिए पहले क्या करते हैं, इसके लिए पहले जहाँ पे इस जो उर्वरकों के साथ खेती की जा रही थी उस खेत को सबसे पहले दो चार पाँच साल के लिए, मिनिमम तीन साल के लिए वहाँ पे जैविक कृषि की जाती है, यानी कि जैविक खादों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे भूमि की उर्वरा क्षमता बढ़ती है। उर्वरा क्षमता बढ़ने के बाद फिर कृषि की जाती है बगैर किसी रासायनिक उर्वरक के, बगैर किसी कीटनाशक के साथ। इससे क्या है, उत्पादन भी अच्छा होता है क्योंकि मिट्टी में उर्वरता प्राकृतिक रूप से आ जाती है, ठीक है। तो यही कृषि है, जीरो कृषि, ठीक है। लिखिए, बढ़ती खाद्य समस्याओं की पूर्ति के लिए किसान अपने खेतों में अधिकाधिक रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, जिससे मृदा की या भूमि की उर्वरा क्षमता धीरे धीरे समाप्त
होने लगती है। इस समस्या से निपटने के लिए जीरो फार्मिंग कृषि प्रणाली किसानों द्वारा अपनाई जाने लगी है, जिसमें खेतों में किसी प्रकार की रासायनिक खाद व कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके लिए खेत में पहले 3-4 साल तक जैविक कृषि की जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ने जिससे मिट्टी की उर्वरता क्षमता जो है बढ़ने लगती है। ठीक है, इस प्रकार अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार की कृषि में मतलब किसी भी प्रकार के उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, पहले किया जाता था, इस वजह से भूमि की उर्वरा क्षमता नष्ट होने लगी। फिर उसके बाद जैविक कृषि की जाती 2-4 साल तक, ताकि उर्वरा क्षमता वापस आ जाए मिट्टी की। फिर उसके बाद जो कृषि की जाती है उसमें बिल्कुल भी खादों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जीरो फार्मिंग कहते हैं इसको। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, हमको ये चैप्टर पूरा करना है, इस वजह से नहीं तो चैप्टर बहुत लंबा हो जाता। चलिए, जीरो फार्मिंग हो गई। अब जीरो फार्मिंग के बाद 11 हो गए, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। इसके बाद अगले प्रकार की कृषि देखते हैं हम कौन सी है। अगले प्रकार की कृषि होती है शुष्क कृषि, ये भी आपने सुन लिया होगा। अब कृषि के प्रकारों में एक प्रकार होता है ट्रक कृषि, बागवानी, ये भी कृषि के प्रकार है। ठीक है, लेकिन उनकी बात दिखाएंगे, ट्रक कृषि भी लिख लेना है। इसमें फल और सब्जियों का उत्पादन करता है, एक ही रात में शहर में पहुँचाया जाता है, और बागवानी में फूलों फलों और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, ये लिख सकते हैं आप। इसके बाद मैं कौन सी बता रहा था, अभी शुष्क कृषि, ड्राई फार्मिंग। ऐसी कृषि में क्या किया जाता है, आप लिख लेना इसको। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है अगर मैं लिखूंगा तो इसको। इस प्रकार की कृषि में किया यह जाता है कि खेत को गहरी जुताई की जाती है, खेत के अंतर्गत जो हल चलाया जाता है वो गहरा अंदर तक चलाया जाता है वर्षा होने से पहले। ऐसी कृषि अक्सर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। तो खेतों में क्या किया जाता है, गहरा हल चलाया जाता है बारिश से पहले, फिर जैसे ही बारिश होती है तो वो बारिश का पानी अंदर तक चला जाता है। फिर उसके बाद भूमि को क्या कर दिया जाता है, समतल कर दिया जाता है। भूमि को समतल कर दिया जाता है तो भूमि को समतल कर देने के बाद जो नमी होती है, जो आर्द्रता होती है, वो भूमि के अंदर रह जाती है। अब वो आर्द्रता जब भूमि के अंदर रह जाती है, वो नमी जब भूमि के अंदर रह जाती है, तो वो नमी फसलों के उत्पादन में काम आती है, क्योंकि बाद में फिर बारिश नहीं होती। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत यही किया जाता है कि कम दिनों में पैदा होने वाली फसलें, 40-50 दिन जिसमें लगते हैं, जैसे मक्का हुआ, इसके अलावा छोटी मोटी जो फसलें हुआ करती है, दलहन, चना, मूंग, ये फसलें जल्दी पैदा हो जाती है, तो इन फसलों को क्या है, इसमें उत्पादित कर लिया जाता है।
ठीक है, इसको शुष्क कृषि कहते हैं। इसके बाद एक कृषि और, एक कृषि का प्रकार और है, उस कृषि को कहते हैं ई कृषि, ई कृषि इलेक्ट्रॉनिक कृषि, ई एग्रीकल्चर। इस कृषि के अंतर्गत क्या किया जाता है, ई कृषि के अंतर्गत, यानी कि इसमें किसानों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, संचार के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कृषि प्रणालियों के बारे में बताया जाता है कि इस कृषि को ऐसे करना है, इस कृषि को ऐसे करना है। विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियों को बताया जाता है। विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियों को बताने के बाद किसानों को बताया जाता है कि इसका मूल्य इतना है, इसमें ये रासायनिक बीज डालने हैं, इसमें ये बातें डालनी हैं। तो उनकी समस्याओं का समाधान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मीडिया के माध्यम से किया जाता है, उसको ई कृषि कहते हैं। ठीक है, संचार माध्यम से किया जाता है। तो ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था, मिलेंगे कल अगली क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने कामों में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।